हेलो स्टूडेंट्स, इस सीरीज में फिर हम लोग और कुछ सोशियोलॉजी उसी वही चैप्टर चल रहा है अभी, और उससे संबंधित और भी कुछ बातों को ले लेंगे ताकि हमारा कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाए। तो चलिए, कुछ ये सब नेट में पूछे हुए प्रश्न हैं जो हमने पीछे किया था, और भी प्रश्न हम लेंगे जो पूछे हुए हैं विगत वर्षों के, उनको भी देखते हैं साथ साथ में, और कुछ नए तथ्यों को भी लेते हैं। तो समाज का व्यवस्थित अध्ययन करने वाला सर्वप्रथम पश्चिमी विद्वान कौन था, ये हमने पूछा था आपसे। तो इसका सही उत्तर प्लेटो या कॉम्ट में से कोई एक को आपको चुनना है। नेक्स्ट, सामाजिक संगठन सामान्य इकरारनामा है, ये कथन किसका है, हर्बर्ट स्पेंसर या अगस्त कॉम्ट। और यह कथन किसका है, सामाजिक संगठन एक सामान्य सामाजिक अनुबंध है, कॉन्ट्रैक्ट है, हर्बर्ट स्पेंसर या अगस्त कॉम्ट। और ये किसका कथन है कि समाज एक उत्कृष्ट सजीव समुच्च है, मतलब ऑर्गेनिज्म है, चार्ल्स डार्विन या हर्बर्ट स्पेंसर। और समाज एक क्वेश्चन है, किसने कहा समाज वैचारिकी तात्विक और सकारात्मक अवस्थाओं से गुजरता है, मतलब थियोलॉजिकल मेटाफिजिकल एंड साइंटिफिक स्टेज से गुजरता है, ये किसने कहा, इमैनुअल दुर्खिम ने या अगस्त कॉम्ट ने। समाज नीति का उपयोग सर्वप्रथम किसने किया, इसको बलते हैं इंग्लिश में सोशियोमेट्री, समाज नीति। इसमें जो है एक मेजरमेंट किया जाता है, लोगों के ग्रुप का मेजरमेंट किया जाता है। तो इसका सही उत्तर बोगार्डस होगा या मोरेनो। एक लेखक ने समाज को एक समान होने की चेतना में अंतर्निष्ठ समझा है, मतलब कॉन्शस ऑफ काइंड की बात की है, वो कौन है, समान चेतना होती है लोगों की, सब एक जैसी सोचते हैं। जैसे अगर आपके सामने अभी समझिए कि कोई जानवर आ जाता है जैसे कुत्ता, तो सब लोग एक ही जैसे सोचते हैं कि ये कुत्ता है, तो सेम समान सोच हो गई, समान चेतना हो गई। तो ये किसने कहा, वाइड ने कहा या गिडिंस ने कहा। सामाजिक संबंध किसके साथ प्राथमिक रूप से जुड़े हुए हैं, संस्थाओं के साथ या लोगों की चेतना के साथ। किसने समाजशास्त्र को सामाजिक भौतिकी पद का सर्वप्रथम उपयोग किया था, टॉनीज या कॉम्टे। और किस प्रकार से सामंतवाद से पूंजीवाद की तरफ के बदलाव को समझते हैं, सामंतवाद से पूंजीवाद में बदलाव को किस प्रकार समझते हैं, मूल्यों में परिवर्तन या व्यवस्था में परिवर्तन। और एक शास्त्र जो ज्ञान के उद्भव एवं प्रकृति से संबंध रखता हो वो क्या कहलाता है, जो ज्ञान के उद्भव और प्रकृति से संबंध रखता है उस विषय को क्या कहते हैं, प्रघटना शास्त्र या ज्ञान मीमांसा। क्वेश्चन है, मानव समाज के वैज्ञानिक अध्ययन के लिए सोशियोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, हर्बर्ट स्पेंसर या अगस्त कॉम्ट।
भारतवर्ष में समाजशास्त्र का प्रादुर्भाव इसके यूरोप और अमेरिका में सुस्थापित होने के बाद हुआ। किस वर्ष में इसे औपचारिक रूप से प्रारंभ किया गया था भारत में? 1909 या 1919 में? और कुछ क्वेश्चंस, कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को देखते हैं जो समाजशास्त्र के कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है। भारत में समाजशास्त्र के पिता कौन है? एससी दुबे या राधा कमल मुखर्जी? और समाजशास्त्र में किसका अध्ययन किया जाता है? सामाजिक समस्याओं का या समाज का? समाजशास्त्र एक विज्ञान है क्योंकि समाज का अध्ययन करता है वैज्ञानिक दृष्टिकोण से या वैज्ञानिक पद्धति से। नेक्स्ट, किसका मत है कि समाजशास्त्र को अर्थयुक्त अनुसंधान में लिप्त होना चाहिए न कि महान सिद्धांत में? अगस्त कॉम्प्ट या सी राइट मिल्स? किसका कथन है समाजशास्त्रीय बगीचे की प्रत्येक चीज गुलाबी नहीं है यद्यपि कभी थी? अगस्त कॉम्प्ट या एंथोनी गिडेंस? समाजशास्त्र की केंद्रीय विषय वस्तु सामाजिक क्रिया है किसने कहा? अगस्त कॉम्प्ट या मैक्स वेबर? और समाजशास्त्र शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? एमाइल दुर्खिम या अगस्त कॉम्प्ट? समूहों के आकर्षण एवं विकर्षण के प्रारूपों का मापन किया जाता है किसमें? सूक्ष्म समाजशास्त्र में या समाज मिति में? किसने समाजशास्त्र को सुई जेनेसिस स्वतः उत्पन्न की अवधारणा से बताया? मैक्स वेबर या एमाइल दुर्खिम? तो ये रहा कुल मिलाकर के लगभग इस पोर्शन को हमने पूरा देख लिया है और नेक्स्ट टाइम दूसरा चैप्टर शुरू होगा। तो आप लोगों से आग्रह है कि इसको आप सैकड़ों बार सुने, बार बार सुनते रहें ताकि आपको आसानी हो। तो चलिए, और मुझे उम्मीद है आप कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर करें और आप लोग सर्वप्रथम इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन प्रेस करिए ताकि समय से वीडियो आपको मिल सके। थैंक यू।